किसी को खाना मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, यही लिखा हुआ है इसके पीछे। और उसके नीचे ज्योति देवी श्रोमोजीवी कैंटीन जादवपुर लिखा हुआ है, ये इनका स्लोगन था इस श्रोमोजीवी कैंटीन का। तो लॉकडाउन जब से चालू हुआ तब से ये चालू है, लेकिन पहले ये नहीं था। इधर हम लोग शिफ्ट किया है जून को, उसके बाद नीचे हम लोग का बनता था, अभी फिर हम लोग ऊपर में किचन ऊपर बनाया। इधर डेली अभी इलेक्शन के लिए कमती है, लेकिन डेली 800 पैकेट जाता है, उसमें 60 पैकेट फ्री है, फ्री है। कब तक चलाएंगे? जब तक किसी का वो एनिवर्सरी है, किसी का वेडिंग है, जो लोग देता है हम उससे ही करते हैं। ये लोग कितना पैसा लगता है इसमें? लगता है 20-25 हज़ार लगता है रोज का। इस समय हम खड़े हैं जादवपुर विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ से संयुक्त मोर्चे के उम्मीदवार हैं डॉक्टर सुजोन चक्रवर्ती, उनका चुनाव प्रचार हम दिन भर देखने वाले हैं। और उसके साथ ही साथ इस समय हम खड़े हैं एक ऐसी कैंटीन जो बिल्कुल अलग ढंग की कैंटीन है, जिसका नाम है श्रमजीवी कैंटीन। यह लॉकडाउन के समय शुरू की गई CPM और उसके समर्थकों के द्वारा। यहाँ पर 20 रुपये में खाना मिलता है दिन का, और हमारे पीछे आपको दिखाई दे रही होगी एक लंबी लाइन, एक ऐसी लाइन जिसमें तमाम तरह के लोग हैं। इसमें वे लोग भी हैं जो 20 रुपये के इस खाने को अफोर्ड नहीं कर सकते, और उनके लिए यहाँ मुफ्त खाने का भी इंतज़ाम है। इस कैंटीन के ज़रिए CPM और वाम दलों ने एक अलग ढंग का प्रचार शुरू किया है, एक अलग ढंग का कैंपेन शुरू किया है कि आखिर सबके लिए अनाज ज़रूरी है, किसी को भी भूखा नहीं छोड़ा जा सकता। शायद यह जो चुनाव प्रचार इस समय हमें दिखाई दे रहा है, यह पूरे बंगाल में जिस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है, जिसमें धन और बल दोनों का बहुत बोलबाला है, उससे बिल्कुल अलग किस्म का प्रचार है यह। यहाँ आपसे हम बात करना चाहते हैं कि क्या आपको दृश्य दिख रहा है, आप एक बहुत मजबूत कॉन्टेस्टेंट के तौर पे हैं यहाँ पर, CPM का बहुत पुराना आधार है यहाँ पर, क्या दिखाई दे रहा है बंगाल में और आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में? बंगाल में जो हो रहा है उस सबका तो जानकारी है। 10 वर्ष से बंगाल तो डिस्ट्रॉयड होता है, सोशल कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर, बंगाल का जो गर्व थे वो बिल्कुल फिलहाल चेंज होता है, अनफॉर्चुनेटली बाय द रूलिंग पार्टी हियर इन बंगाल। दल बदल अब समझते हैं तब, फ्रॉम दिस पार्टी टू दैट पार्टी, वो बंगाल में कभी थे नहीं, पहले नहीं था, वो भी नहीं थे। 50s, 60s, 70s, 80s, 90s कभी नहीं थे। ड्यूरिंग द लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट मेनी ऑफ द पंचायत्स वेर अगेंस्ट द लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट ऑफ द अपोजिशन, मेनी ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज इंक्लूडिंग कलकत्ता कॉरपोरेशन वॉज रन बाई द अपोजिशन। दिस डेज यू आर नॉट अलाउड टू फंक्शन इन एनी फॉर्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट, मे इट बी इलेक्टेड something, maybe some club-oriented organization, societies, whatever it may be. You are to be only with the ruling party. Media also is being managed that way. The same as it is in the national level. The medias are propagating very wrongly for in favor of Modi ji. Here the same thing. Even the media persons have no right or no courage or no scope to question the chief minister in an issue which chief minister is not interested. You can talk to those subjects only in which the chief minister is interested. जो उनको पसंद है खाली उसी से। Only. जहाँ उनको पसंद होता है, पसंद नहीं होगा तो होगा नहीं। In Delhi. So, some sort of anti-democratic, fascistic in nature is functioning. Along with this is the agriculture, industry, the job scope and opportunity,
दिस ऑल्सो आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड. सो इज अ बिग इशू फॉर द पीपल. एक जो बड़ा सवाल बंगाल की धरती पर है कि एक तो भाजपा का खतरा है, भाजपा ने काफ़ी बढ़त बनाई है, हम भी काफ़ी जगहों पर होकर आए, भाजपा की इनरोड्स काफ़ी हुए हैं. लड़ाई CPM की किससे है, ममता से या भाजपा से? बंगाल में दोनों का फर्क पड़ते नहीं, बेसिकली फर्क पड़ते नहीं. जब तक तृणमूल गवर्नमेंट आए नहीं उस समय तक BJP का कुछ दिखाई देता नहीं. Whenever BJP was in government in Madhya Pradesh or in Uttar Pradesh or in different other states, Bengal में एक विधायक भी थे नहीं. As it was in Kerala, as it was in Tripura, lefts could always function against the communal forces very determinedly. For last 10 years, whenever जो जब तक ममता जी को गवर्नमेंट आए थे उस समय से BJP बढ़ते हैं. ममता जी तो BJP के साथ थे. क्या लगता है कि ममता की वजह से बढ़ते गए? Definitely. What else? She was with BJP in the government. She was with BJP in the NDA. She paved the way for BJP in West Bengal, which Jyoti Babu said that time. Mamata has many a faults, but the greatest fault is she is inviting, encouraging, and establishing BJP in the soil of Bengal, which is very disturbing. It is very wrong, and that is happening in her rule. For last 10 years, BJP is growing like anything. And these days, in this election also, of the 293 candidates set up by BJP, 158 are directly of Trinamool. Who 158? Yes. Out of 293, who are with Trinamool, who are ML of Trinamool, who are in different posts of Trinamool, or who were in Trinamool some two years back, something like that. 158. ये बंगाल की कल्चर के लिए या पॉलिटिकल कल्चर के लिए नया चीज़ है? नया चीज़ लाने वाला है ममता जी, और उनको सुविधा पाते हैं, पेते लेते हैं BJP. मेरा फाइट दोनों को साथ ही है. यू कैनॉट फाइट BJP बट बाई नॉट फाइटिंग तृणमूल, और यू कैनॉट फाइट तृणमूल बाई नॉट फाइटिंग BJP. আর একটা বড় ক্ষমতা হচ্ছে এদের কাছে, এরা যেহেতু শাসক এবং সবসময় রুলিং পার্টির কাছে প্রচুর পয়সা থাকে, যে পয়সার সাথে অপোনেন্ট যারা স্বাধীন মতের মানুষ বা এই বামপন্থী মানুষ মনোভাবের মানুষ বা এই যে অন্য বিরোধী দলগুলো যারা লড়াই দিচ্ছে তাদের কাছে পয়সার কোনো ই নেই, সামর্থ্য নেই, পয়সা মার 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 সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কালেক্ট করে নানানভাবে যে বামপন্থীরা যেভাবে পয়সা ই করে রাস্তায় রাস্তায় মানুষের কাছে, খুব নিম্ন সমস্ত ব্যবসায়ী নিম্ন যারা লড়ে খায় তাদের নিজস্ব খাটনির পয়সা সেভাবে তারা কন্ট্রিবিউট করছে তাদের জোরে. CPM কো লোক কাফি জানতে হ্যায়, মানে হ্যাঁ জানা আমাদের এখানটা তো অনেকেই CPM, প্রচুর লোকই CPM আছে. তৃণমূল কে কোন হ্যায় ইয়াহা সে? এখানে তো বলছে দেবব্রত মজুমদার জিতেছে এখানে, আর আমাদের যে কাউন্সিলর তারক চক্রবর্তী এই 104 নম্বর ওয়ার্ডে উনিও তৃণমূলের, বুঝলেন? কিন্তু গেলবার তো এখানে তো CPM জিতেছে. নাম কি হ্যায়? সুচিস্মিতা. আচ্ছা, আর আপ ক্যা করতি হ্যায়? মে প্রাইভেট মে জব করতি হু. ইয়াহা পর BJP কা প্রচার কিস है, केंद्रित किस पर है? BJP का प्रचार देखिए, यहाँ पे सिर्फ वो लोग धर्म के लिए ही बोलते हैं, जय श्री राम ये सब. उन लोगों का प्रॉपर कोई एजेंडा तो है नहीं कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, सिर्फ ये जय श्री राम बोल के यहाँ मंदिर करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये सब करके किसी का पेट तो भरने वाला है नहीं एंड ऑफ द डे. तो इसी सब के ऊपर है, प्रॉपर कोई एजेंडा BJP का भी नहीं है यहाँ पे. और यहाँ से जो TMC के कैंडिडेट हैं वो TMC का कैंडिडेट देखिए, ये तो पहले किसी एक वार्ड के आपका काउंसिलर रह चुके हैं, तो उनके बारे में भी बहुत ही मतलब ये है कि क्या बोले, जैसे कि जोर जुलूम करते थे तो
हाँ, और इन लोगों का जो लीडर है ममता बनर्जी, तो उनका तो रेपुटेशन इतना ही ख़राब हो चुका है कि अभी क्या बोले उसको, एक्सेप्टेशन ही नहीं है कुछ यहाँ पे। बंगाल के चुनाव में लगातार ईवीएम को लेके सवाल है, वो आप कैसे देखते हैं? बंगाल का धरती में इतना गंदा कभी थे नहीं, जो हो रहा है अभी इतना तो थे नहीं, बहुत गंदा है। मसलमैन पावर पॉलिटिक्स एंड द थ्रस्ट ऑफ मनी एंड मसल, दैट इज नाउ हैज बीन द टर्म्स इन द इलेक्शन इवन और इन द सोशल लाइफ व्हिच वाज नॉट। In fact, in Bengal, election was seen by people as a festival, festivity in election. People were moving in a joyous mood, a festive-like mood. Now it is a tension-oriented situation in the social life, in the election too. Otherwise, during our childhood days and during the period of left, it was basically a festive mood. People were, everyone enjoying one camp of this party, other camp of this party. People were moving around, they were discussing, talking to, taking food from each other. That was the reality. And that festive mood is now getting replaced by almost a tension-oriented. The approach, the atmosphere being created by both the ruling parties are as if taking people's mood or the candidature, etc., from a business orientation. Not from a responsibility orientation. And the whole issue of the EVMs being taken away and manhandled. Yeah, that is also happening. In fact, in the meantime, already two issues cropped up. Where in one case, EVMs were found in the BJP leader's house. And day before yesterday, one sector officer of Election Commission was found with four EVMs from a TMC leader's house. बंगाल का कल्चर, बंगाल की संस्कृति पर कितना बड़ा खतरा आपको लगता है इस समय? बहुत खतरा आता है। दिस इज गेटिंग लॉस्ट दिस डेज। द वे द मीडिया आल्सो इज प्रोपगेटिंग इश्यूज लाइक क्वारल बिटवीन शोभन और बैशाखी और बिटवीन बैशाखी एंड रत्ना, इज इट अ कल्चर ऑफ बंगाल? नो, सर्टेनली नॉट। सो दिस आर गेटिंग लॉस्ट बाय द रूलिंग dispensation of either the state or the center. Hindu Musliman jis tarah se polarize ho raha hai, jis tarah se polarize karne ki koshish, it was never so in Bengal. Even after the partition, though primarily there were some seats owned by either Jansangh or Muslim League in 52, in 57, etc., etc., but increasingly the people of Bengal and particularly the left in particular, they created a situation where there was no single seat of Janasangha or BJP in West Bengal, neither a single seat of Muslim League. So this division in line of religion or in line of whatever you can call divisions, these were getting off increasingly. But for last years, since she started meeting with Inshallah for no reason, and now they start with Jai Shri Ram of no reason, and now she is in one meeting talking of Inshallah, the other meeting she is Chandipat.
So thereby, if the ruling party or the persons in power, they are involved in such sort of activities, that is no good sense, that is no culture of Bengal. Neither that being preached by the BJP in Delhi or by that preached by Trinamool in Bengal. So they are trying to destroy Bengal economically, culturally, politically, something which shall have to be stopped by all people united. And that is what we Shangjit Morcha is trying to do. What are the chances of Sanyukt Morcha? How you are getting that the response? The are the Fine. Getting response? Very good response from the core of the people's heart. Very good response. Very good. They are now fed up with how the Trinamool is functioning. And now, increasingly, primarily they are thinking of that to get rid of Trinamool, it can be BJP. Now they are convinced that BJP is no better than Trinamool. Rather worse. They're seeing that the Trinamool's leader today are the BJP's leader tomorrow. The same thing, with the same culture, with the same thrust of power, thrust of money. Either it is for lumpen economy or it is for Adani Ambani. What for the people? Thank you.